कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। पिछले दिनों जयपुर में हुए रैली के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदुत्व और हिंदू का मुद्दा उठाया है वो चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी और हिंदुत्व से जुड़े लोग राहुल पर पलटवार कर हमला बोल रहे हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी के बाद अब योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाबा रामदेव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि अब बोलोगे कि व्यक्ति अलग है और व्यक्तित्व अलग है। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि ऐ बावले, इतना तो पढ़ लेना चाहिए, इतना बावला नहीं होना चाहिए। योग गुरु ने यह भी कहा कि ये तो अक्षर बोध है, संस्कृति और भारतीयता का बोध तो बहुत बड़ा विषय है, ये केवल राजनीतिक प्रोपेगंडा है। उनकी तरफ से हमेशा कहा जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और जनेऊ पहनता हूँ, लेकिन मेरे जनेऊ और उनके जनेऊ में अंतर है। उन्होंने कहा कि हिंदू एक संस्कृति है और संस्कृति का बोध ही हिंदुत्व है। रामदेव के राहुल गांधी पर हमले के बाद ट्विटर पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अनामिका दुबे नाम की ट्विटर यूजर ने कमेंट किया कि राहुल गांधी के लिए ये परफेक्ट रिप्लाई है। दीपक अग्रवाल नाम के यूजर लिखते हैं कि आपकी बात सुनकर तो बाबा जी मजा ही आ गया, इनको पता नहीं कहां से हिंदू और हिंदुत्व अलग समझ आता है। प्रवीण खांडेवाल नाम के यूजर ने कमेंट किया कि अगर पावले में इतनी बुद्धि होती तो वंश का विनाश न होता। बता दें कि पिछले दिनों ही राजस्थान में महंगाई के खिलाफ महारैली में राहुल गांधी ने कहा था कि देश की राजनीति में दो शब्दों की टक्कर चल रही है, एक शब्द हिंदू और दूसरा शब्द है हिंदुत्ववादी। मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि महात्मा गांधी हिंदू थे लेकिन गोट से हिंदुत्ववादी था। राहुल अपने इस बयान के बाद से ही विवादों में घिर गए हैं। बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी को जमकर लपेटा और अब बाबा रामदेव ने भी राहुल गांधी को हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझा दिया है। हालांकि राहुल के समझ में ये बात आती है या नहीं ये देखना होगा। हिंदू और हिंदुत्व तो कैसे अलग अलग है, ये लोगों के समझ से तो बाहर है। ऐसे में तो कांग्रेस और कांग्रेसी भी अलग अलग हो जाएगा। राहुल की माने तो वो कांग्रेस के नेता है लेकिन कांग्रेसी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।